सरकार क्रेन लेके उन पत्थरान हटाओगी जिनसे पत्थर ला रखे हैं। किसान को सिर्फ उड़ान की जरूरत नहीं है, अगर किसान बाहर लकड़ेगा ना लाखों की संख्या में, सरकार ये कहेगी कि आओ अन्नदाता, जैसे प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी कि मैं देश के किसानों से माफी मांगता हूँ, मारे समझने में कुछ गलती रही। इसी प्रकार से मनोहर लाल खट्टर माफी मांगेगा कि मैं हरियाणा पंजाब के किसानों से माफी मांगता हूँ, मुझे बॉर्डर नहीं रोकने चाहिए थे, मुझे समझने में यह गलती रही। और आगे फूल बरसाती हुई सरकार हमने दिल्ली थी छोड़ के आओगी, इतनी ताकत हरियाणा के किसान में है कि हमने हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच गए हैं खेड़ी चोपटा में, आप देखोगे कि पूरी पंचायत इकट्ठी हो रही है, सारे गांवों के लोग इकट्ठे हो रहे हैं अपने ट्रैक्टर ले ले गए। ये सिर्फ आदेश की बात देखा है, किस टाइम आदेश मिलेगा और किस टाइम खनौरी बॉर्डर तोड़ा जाएगा। तो उससे पहले लगातार जो किसान नेता है उनको गिरफ्तार कराया जाने लग रहा है। आपने भी रहा कि किस प्रकार तक किसान लड़न लग रहे हैं, संघर्ष कर लग रहे हैं और किस प्रकार तक सारे रास्ते रोक रखे हैं। जगरदा पुलिस प्रशासन आपने दिखेगा, कोसे भी रास्ते पर चले जाओ उड़े पुलिस प्रशासन आपने नजर आऊगा। राम राम विकास जी। तो विकास जी, मतलब सुरेश कोथ या बाकी नेता, कई नेता को उठा लिया गया है? और सुरेश कोथ और रवि आजाद को डिटेन कर रखा है और अभी हमारी प्रशासन के साथ बातचीत हुई है, उन आश्वासन दिया कि एक घंटे के भीतर उनको छोड़ दिया जाएगा। और केवल इनकी बात नहीं है, चलते आंदोलन में हमारे सैकड़ों युवाओं को गिरफ्तार कर रखा है और उनके ऊपर तरह तरह की नाजायज धाराएं, 307 जैसी, खालिस्तानियों के नारे लगाने जैसी, पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ाने जैसी, मतलब इस प्रकार की धाराएं लगाना, ये मतलब कानून व्यवस्था लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नियत्थे किसानों के ऊपर ड्रोन से हमला करना, ये अपने आप में इंटरनेशनल कानूनों का हनन है, मानव अधिकारों का हनन है। और उनके जो आंसू गैस के जो गोले छोड़े जा रहे हैं उनमें जैविक हथियारों का उपयोग करना, अभी किसी वकील ने मेरे पास भेजा उनकी जो रिपोर्ट थी उसमें जैविक हथियारों का उपयोग करना, ये विदेशी ताकतों के खिलाफ ऐसा प्रयोग किया जा सके, लेकिन हमारे नियत्थे किसानों के ऊपर इस प्रकार के हमले करना, ये तो कम से कम सरकार के लिए भी, लोकतंत्र के लिए भी, जनता के लिए भी, ये जनता को सोचना चाहिए कि देश की सरकार किस कैसे हाथों में चली गई है। ये आज किसानों के ऊपर चल रहे हैं, पहले सरपंचों के ऊपर चल रहे थे, फिर कर्मचारियों के, सीटी वाले बच्चों के ऊपर चल रहे हैं, अब तो वो चीज़ भी नहीं रही कि केवल किसानों के, मजदूरों के ऊपर भी चल रहे हैं। ये सारे के सारी चीज़ें सबके ऊपर प्रयोग होनी है, नंबर सब का आना है, इसलिए इसमें, इस लड़ाई में मिलकर सबको साथ देना चाहिए। विकास जी, जिस प्रकार से मतलब जनता के साथ में बर्ताव कराया जा रहा है, आप ये देखो संगीन अपराध की धाराएं लगाई जान लग रही है, लगातार आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, तो मतलब इस हद लग गए ये लोग की तो बाहर तैयार है दूसरे देश से। निश्चित तौर पर मैंने बताया ना, विदेशी ताकतों के खिलाफ ड्रोन का प्रयोग कराया जा सके, ये मैं नहीं कहता, कानून में लिख रखे हैं। जैविक हथियारों का प्रयोग भी विदेशी युद्ध अगर हो, वो भी आपातकालीन स्थिति में, दूसरे देश के साथ युद्ध भी, उसमें भी आपातकालीन स्थिति में, जब और कोई हथियार काम ना करता हो, जब ड्रोन का और जैविक हथियारों का उपयोग कराया जा हुआ है। लेकिन यहाँ नियत थे किसानों के ऊपर, उनके पास ये खड़े हैं, इनके पास बताओ लाठी नहीं, गोली नहीं, अपनी मांग मानना, ये लोकतंत्र पहला अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा कि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के लिए, लोग असली मालिक हैं, उसके ऊपर सीधा सीधा हमला है संविधान के ऊपर। इन्होंने इस प्रकार से लोगों को भयभीत करना, लोगों को गिरफ्तार करना, उनके ऊपर अनाप शनाप मुकदमे दर्ज करना, तो ये कहाँ की मतलब ये लोकतंत्र कहाँ बच रहा है? देखो विकास जी, मतलब जिस प्रकार से लगातार 2-3 दिन आपने देखा कि किस प्रकार के हालात बॉर्डर पर बने रहे, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो या फिर दाता सिंगावाला हो, 3 लोगों ने अपनी आँख भी गवाई, एक किसान की मृत्यु भी होगी, तो मतलब इस प्रकार का कत्ते ही चल लगा ये तो सरकार बता सके, मेरे तो ज़्यादा सरकार बता सके कि कितने दिन तक चलाना चाह रहे हैं, किस हद तक लोगों को मारना चाह रहे हैं। सरकार हमने लिख के दे दे भाई, इतने किसानों की जान चाहिए, हम आपसे वादा करते हैं, सबसे पहले बलिदान मैं दूंगा, और जितने किसान चाहिए ना, सबसे पहले दिए थे हमने, एक में बता दे, एक मुश्त बता दे, भाई 1,00,000 किसान मारने हमने, तो मोदी जी तय करके बता दे भाई, इतने किसान मार के हम SP देंगे, उतने किसान मरने तैयार हैं। लेकिन यो इस प्रकार तक तंग करके मारना, किसी की आँख फोड़ दी, किसी की टांग तोड़ दी, किसी का जबाड़ा तोड़ दिया, ये तो मतलब एक घिनौना अपराध जिसको बोलना है ना कानून की परिभाषा में, ये घिनौना अपराध है। और इसकी जिम्मेदारी ये इस प्रकार मुख्यमंत्री, इनको तो ऐसी सरकारें तो भंग कर देनी चाहिए जो इस प्रकार तम लेकर हुआ रहे हैं। कोर्ट तो ये कह रहा है भाई इनको नहीं रोकना चाहिए, ये दिल्ली इनकी भी है, रास्ते हैं ये, कोई इनको जाने देना चाहिए। कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की जा रही है, उनको रोका जा रहा है। हरियाणा के कोर्ट ने कहा कि इनको जाने दो, लेकिन सरकार नहीं मान रही, गृह मंत्री में कौन सांगा बढ़ रहा हमने पता नहीं, मुख्यमंत्री है
उसने मेरा एक कोनी के बोलन लाग रहा है, वो कुछ भी बोलते हैं, मजा आ रहा है उसने, क्योंकि जाति के नाम पर वोट ठिया जाए, धर्म का नाम पर वोट ठिया जाए, मुख्यमंत्री के पद के ऊपर बैठ की कुछ भी बोल की कुछ भी हार देना, ये हरियाणा के लोगों को तय करना चाहिए। आप लोग गुलाम हो गए के ऐसी सरकार चाणक्य ने लिखा, जहाँ का राजा ऐसा विवेकहीन हो उस कह तो उस राजा को बदल दो और कह उस देश से छोड़ के चले जाओ। ये दो स्थितियां हरियाणा की, कह तो ऐसे राजा को बदल दो, कई इस हरियाणा ने छोड़ के चले जाओ, कई इस देश से छोड़ के चले जाओ। हरियाणा ने छोड़कर भी आपने देखे होंगे कि नए बच्चे कितने जान लाग रहे हैं, क्या बेरोजगारी का मुद्दा सारे कुदा दिए, हमारे बालक उड़े भी मरने लाग रहे हैं। एक डाटा अखबार का डाटा है, 20,000 बच्चे हमारे हरियाणा पंजाब के विदेशों की जेलों के अंदर हैं, इस केवल इसलिए क्योंकि उनके यहाँ काम धंधे छीन लिए गए हैं, केवल इसलिए क्योंकि खेती लाभ का धंधा नहीं रहा है। नहीं तो हमारे बुढ़े ये कहा करते, उत्तम खेती मध्यम व्यापार नौकरी चाकरी करे बेकार, वह खेती जो लाभ का धंधा था वो खेती जो है आज नीच लेवल के ऊपर ले लिया ही, उस नौकरी खातर हमारे बालकान ने विदेश में जाना पड़ा है। और मैं तो उन भाइयों से जो मेरी बात को सुन रहे हैं, भाई अपने हकों की लड़ाई लड़ो, उड़े मजदूरी करते या उड़े डुमकी करते समुद्र में डूब डुबकी मरता अच्छा है, बॉर्डर के ऊपर लड़की मरो, ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है। अगर MSP मिल गया, किसी बालक ने विदेश में जाने की जरूरत नहीं है, किसी बालक ने सरकार से नौकरी मांगने की जरूरत नहीं है, असली लड़ाई है MSP की, कर्जा मुक्ति की। अच्छा विकास जी, आज देखो आसपास के सारे गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अपने ट्रैक्टर लेकर भी पहुंच रहे हैं, तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे अभी हम चर्चा करेंगे, चर्चा पहले तो ये जो गाँव के लोग आ रहे हैं सारे की एक कमेटी बनावाएंगे, उन तक चर्चा करेंगे। तीन चीज यहाँ चर्चा में मुख्य रूप से, सबकी सलाह फिर संख्या, सलाह संख्या और फिर जो आंदोलन करने वाले किसान और किसान आंदोलन का पर्यावरण कैसा चल रहा है। अगर वो ये कहेंगे भाई तुम आज की में ना छिड़ियो और हमारा फैसला हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, अगर वो ये कहेंगे भाई आज की में ना छेड़ियो, हो सका है कि हम ही आड़े तो छेड़ दिया, उनका फैसला होता हो कोई बात मंदी हो, हम ये भी इंसान देखी कराया कराया बिगाड़ा जाओ, सारी बातों के ऊपर चर्चा करके कलेक्टिव फैसला यहाँ से लिया जाओगा। वह न कहेंगे कि आज कितने जाना है, वो डिसाइड करेंगे, यहाँ के लोग डिसाइड करेंगे, यहाँ किसी एक संगठन की ये संख्या नहीं है, एक खाप की संख्या नहीं है, सारी कलेक्टिव पंचायती तरीके से किसान इकट्ठा हुए हैं, किसानों के हक अधिकारों के लिए इकट्ठा हुए। विकास जी, अगर आदेश मिलता है तो मतलब खनौरी बॉर्डर पर फिर वार कराया जाएगा, तोड़ा जाएगा? देखो अगर ये जनता जनार्दन, ये अगर जनता जनार्दन आदेश देती है वार, तो ये तो खटराली भाषा होगी, वह वार करांगे एक तोड़ांगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर ये हम चल गए ना, शहर दिखेंगे, अभी हरियाणा के शहर दिखे नहीं है, बॉर्डर के उड़ा आनी है शहर ऊँ बैठ गए ना, जैसे खेड़ी चौपटा में बैठे भी आपने देखा ना कितने DSP करे के केस होता, चारों तरफ आ गया ना उड़े, तो आधा बॉर्डर तो वहीं टूट गया, वो सारा पुलिस में घुमाड़ा आ गया आधा, तो नहीं तो ये सारा उड़े गए रखा था। ये शहर दिख गए तो मैं आपसे वादा करता हूँ सरकार क्रेन लेके उन पत्थरान हटाओगी जिनसे पत्थर ला रखे हैं, किसान को सिर फुटाने की जरूरत नहीं है। अगर किसान बाहर लकड़ेगा ना लाखों की संख्या में, सरकार ये कहेगी कि आओ अन्नदाता, जैसे प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी थी कि मैं देश के किसानों से माफ़ी मांगता हूँ, हमारे समझने में कुछ गलती रही, इसी प्रकार से मनोहर लाल खट्टर माफ़ी मांगेगा कि मैं हरियाणा पंजाब के किसानों से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे बॉर्डर नहीं रोकने चाहिए थे, मुझे समझने में ये गलती रही, और आगे फूल बरसाती हुई सरकार हमने दिल्ली थी छोड़ के आओगी। इतनी ताकत हरियाणा के किसान में है कि हमने हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, घर तक बाहर लकड़े हैं, अभी जब खेड़ी चौपटा में लकड़े हैं इकट्ठे हुए हैं, सारा प्रशासन काल भी देखा होगा आपने, कवर कराया था जींद में उन बालकों की आवाज़ खातर इकट्ठे हुए थे, सारा प्रशासन नाचता फरा था, और ये तो खेड़ी चौपटा नहीं, गतौली में रोहतक के अंदर जाटू खाप चुरा सिद्ध नाना के अंदर बास के अंदर पूरे हरियाणा में हलचल है। आज अभी कुरुक्षेत्र में गुरुनाम सिंह चढ़ूणी के नेतृत्व में भी सारे किसान संगठन इकट्ठे होने लग रहे हैं, सारा हरियाणा जब बाहर लकड़ लेगा तो सरकार अपने आप बॉर्डर खोल लेगी। दो ही विकल्प रहेंगे सरकार के पास, या तो बॉर्डर खोल दे या किसानों की बात मान ले, हमारे सारे बच्चों ने बाहर काट दे। राम राम तऊ तऊ गणिया अन तो कुछ सोचन लाग रहा है ना, बस इसे बारे में हम तो मरना मरना है, इसके लिए हम तो उल्टा मानता नहीं मारियो। हां सही बात है, 13 महीने तो दिल्ली पड़े रहे जिन ओटी थी, और फिर झूठे ला रहे दे गए रीति आश्वासन दे गए, हमें ठा दिए 3 साल हो गए उन बातों ने, यही फिर उसे सृष्टि पर आ गए हम तो।
विश्वास उठ लिया, विश्वास लायक रहा नहीं, विश्वास सरकार का है नहीं। झूठी सरकार है, झूठे ला रहे है, बादीगर वाले डुग डुग आगे तमाशे करे है, कड़िया की झा पहरान पैर ले, कड़िया की झा पैर ले, और देश ने बुका रहा है। ये खेल हो रहे हैं इसके देश के अंदर, तो जड़ा जैसे उड़े कड़िया टोपीर, कड़िया खंडकर, कड़िया पगड़ी, कड़िया साड़ी, यहाँ इनसे छर करे से इनसे सरा में हमने ठहरे आयु है। इबका हमें तो उल्टे हट देनी, अरे इसकी हसला आज की मीटिंग से जो होलेगी होलेगी, तड़का ने ले गए गंडासी जेड़ी रे अपने दिल के चलांग ले भाई, ये हथियार से मारे मैंने को था। जो हमारा अम्बेडकर ने संविधान बनाया था ने, वो खत्म। आज संविधान क्या हरियाणा का आप परिभाषा बताइए ना, मैं बताऊँ। गरीब को अन्न नहीं, अमीर खावा पकवान, पतिवर्षा भूखी मृत्यु, पेशा था बापान, लुच्चे गुंडे मंत्री रंडुआ तेली पत्ना जोड़ का संविधान। नहीं मैं आपको बताऊँ ना, हमारी मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये प्रचार पालिका मोदी ने खरीद रखी है, मेरी माँ भी खरीद ली बेचोर ने। क्या करोगे आप? आज बात सुनो आप, ये वहाँ इसका भी है, छोटा जरूर है लेकिन वो बड़ा है ना, ये तड़का मरेगा ना, छाया मत जगह न्यागे पर सर पर दो दिन में भूखा इंतना इसको बराबर लेंगे, ये मोदी ने कह देना। अरे वो खतरे है ना, मैं छोटा मैं जातिवाद पर नहीं जाना, मारा संग दूसरा है पर वो मेरा भाई है, हैं लेकिन उसके चमचे हैं ना, कुहाड़ा दरखन निकालता उसमें बिंडा गल जाए है, मारे बिंडे गल रखे, वो बिंडे काटते हमने ना, कुहाड़ा हम एक नहीं मानते, लेकिन हम मारा हक चाहिए। उम्र कितनी होगी? मेरी होगी 81 साल की। इसी सी देखी है सरकार जी, सी देखने लग रहे हो किसी इसी सरकार है? छोड़ दे माँ का प्यार बाप के चौधर पने बना, भाई का हो गए मृत गुलाम भी के घर में लालू भाई का, माँ बाप ने उल्टा सीधा बोला छोड़ा कार क्या मान कर आएगा, छोरी खा लिया चलिए सूट वैदी साड़ी का, घर कद न सारे बरतें कुर्ता क्षमता नाली का, डूब गया सासू तो खाइए माल तो माएगा इस पर की गंदी। मौज कर दी। तो आप देख लो भी किस प्रकार था, अगर अपने बड़े बुजुर्ग की बात करें तो उनने भी इस बात का पूरा गुस्सा है, अभी किस प्रकार था सरकार काम कर लाग रही है, किस प्रकार तो सारे किसान रोड़ा पे आ गए हैं, पहले भी रोड़ा पे थे और ये फिर दोबारा तो रोड़ा पे आ गए हैं। तो मतलब आपने लगातार देखी भी है अपडेट भी, किस प्रकार बॉर्डर पे किस प्रकार के वो चल रहे, चकोसा बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो या दत्ता सिंगावाड़ा बॉर्डर हो, तो सारे बॉर्डर पे इस प्रकार के हालात हो रहे हैं, ना इधर का रास्ता है ना उधर का रास्ता है, और आज खेड़ी चौपटा में सारे 36 बिरादरी इकट्ठी हो रही है, तो ये क्या फैसला लेंगे, ये आदेश का इंतजार करना लग रहे हैं, अगर आदेश मिला बॉर्डर तोड़ने का तो बॉर्डर भी तोड़ दिया जाएगा, सिर्फ आदेश का इंतजार है। तो आप भी अपनी राय जरूर बताइयो कि किसाना की इस मांगा ने लेकर आपका क्या कहना है, और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। देखो अपने यहाँ पर नेट तो बंद कर रखा है ताकि किसाना तो सारी अपडेट ना जा, लेकिन फिर भी एक आधा भाई देखा है वाईफाई लगा कर, तो वह भी आगे शेयर करते रहियो ताकि किसाना की यह सारी अपडेट लगातार मिलती रहे और अपना सही गलत का फैसला वे भी ले सके। जय हिंद बहन जी।